ठीक है, ये आपके सामने एक मल्टीमीटर रखा है, है ना। काफ़ी पॉपुलर मल्टीमीटर है। हम आज इस मल्टीमीटर से रिपेयर करेंगे आईफोन 7। ये आईफोन 7 हमारे को आया है, डिस्प्ले और लाइट नहीं जल रहा है इसका, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर ये लगाएं तो इसका डिस्प्ले और लाइट नहीं जल रहा, कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। जो चार्जिंग का एम्पियर है, चार्जिंग एम्पियर तो ले रहा है अपना 1.3 ये, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। आई होप कि आप गैस आए, मैं आपको एम्पियर भी दिखा सकूं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। इसके नीचे के स्क्रू खुले हुए थे ऑलरेडी और इस पर थोड़ा काम भी हुआ है। एक्चुअली दो कुरियर आए मुझे, एक ये और एक आईफोन 8। इस पर नेटवर्क नहीं आ रहा तो इस पर हम, इस पर उन्होंने अभी कोई आईडी भेजी नहीं है, इसलिए इसको हम बनाएंगे नहीं जब तक ये इस पर कोई आईडी नहीं भेजेंगे, इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डायग्नोस करते हैं सही लेवल पे। जैसे कि आप देख सकते हो इधर इसकी बैटरी, बैटरी पूरी लगी हुई है, ठीक है। और इसका ग्राफिक्स नहीं आ रहा, और उसका चेक करें कि क्या रीज़न है इसका ग्राफिक्स ना आने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्टर पे ध्यान देंगे। अब नोटिस करो कनेक्टर पे थोड़ा सा काम हुआ है आसपास। आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जम्पर लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे कंपोनेंट निकला हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मली जम्पर वाला तो मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली होता तो इतना तो ये ऑलरेडी करके आया है, तो कोई ना कोई फॉल्ट लंबा होगा आईसी से रिलेटेड, या कुछ तो जो वो डायग्नोस नहीं कर पाया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्क्रू, ये ज़बरदस्ती टाइट किया है, ठीक है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे स्क्रू होल होते हैं। ये देखो कैसे पहचाने स्क्रू होल में, ये देखो नीचे तो स्क्रैच हो ना, जैसे इसमें देखो यहाँ पे नीचे स्क्रैच नहीं है। खैर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका हम जियाल लेते हैं कनेक्टर का, और कनेक्टर का जियाल लेकर फिर हम क्लियर कर पाएंगे कि फॉल्ट है कि नहीं है। तो पहले हम हमने जेड एक्स डब्ल्यू ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कनेक्टर के हिसाब से हमारे जी आर है, तो एक एक करके हम जी आर चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे को कहाँ पर नहीं आ रहा। ये केस स्टडी आप पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मिपी से चालू करते हैं। तो आप देखिए कि हर ग्राउंड के बाद दो लाइन दी हुई है, ठीक है। तो पहला मतलब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 में तो आपको 4 ग्राउंड मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए चेक करें, कूल टेस्टिंग करेंगे।
तो यहाँ से चालू करेंगे तो पहला ग्राउंड है, फिर जीआर, फिर जीआर, फिर ग्राउंड, फिर जीआर, फिर ग्राउंड मतलब फिर उसके बाद ग्राउंड के बाद जीआर, फिर जीआर। यहाँ कनेक्टर तो थोड़ा सा डैमेज दिखाई दे रहा है तो इसको भी चेक करेंगे, पर मुझे लग रहा है हालांकि ये टच हो जाएगा, कचरा सा है ये। ठीक है, तो ये नॉर्मल कचरा है, इसको हटा लेते हैं। हट गया। तो भाई एक ग्राउंड जे आर, दूसरा ग्राउंड जे आर, जे आर, फिर ग्राउंड जे आर, फिर ग्राउंड। ठीक है, ये चौथा ग्राउंड था। अब इसके बाद में फिर से चेक करेंगे कि अब हमारा डायग्राम क्या बोलता है। अब इसके बाद लाइन से कोई भी ग्राउंड नहीं है, खाली एक दो ओएल है, वो भी शुरू के तीसरे और चौथे। ठीक है, तो यहाँ से ही चालू कर लेते हैं ग्राउंड तक। देखो जी आर, जी आर, ओ एल, ओ एल, जी आर, जी आर, जी आर, जी आर, जी आर, जी आर, और ये ग्राउंड। ठीक है, तो ऊपर की लाइन बिल्कुल सही है। अब अपन यहाँ की लाइन की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, एक दो तीन चार जी आर, फिर ओ एल, फिर तीन जी आर, फिर दो ओ एल और फिर ग्राउंड। ठीक है, तो नोटिस करो, टच किया, एक चार जी आ रहे, दो तीन चार, फिर ओएल, फिर इसके बाद में दो जी आर, तीन जी आर, फिर ओएल, एक। देखो ये ओपन है दोस्तों, दो ओपन है यहाँ पर। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवे पे देखो ओपन है और छठवे पर ओपन है, सातवें पे जी आर है। तो पांचवा और छठवा, तो कहने का मतलब है कि हमारा दो लाइन में से एक लाइन तो ओएल है और एक लाइन ओपन है। तो जो ओपन है तो वो है एलसीएम टू चेस्ट नेट, मतलब ये ईएन सिग्नल है। ये 1.8 वोल्टेज इसको आईसी से मिलते हैं, बेसिकली सॉरी डिस्प्ले से इसको 1.8 वोल्टेज मिलते हैं। ये एक्चुअली एलसीएम मतलब डिस्प्ले से एक ईएन सिग्नल है जो कि 1.8 वोल्टेज आपको निकलेगा, और ये वोल्टेज आपको निकलने के बाद आपको इस कॉइल पे जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इस कॉइल से होते हुए ये वोल्टेज इस आईसी के अंदर, जो कि इसकी डिस्प्ले आईसी है। तो अगर ये कॉइल सही है और दोनों ओर ओएल दिखाई दे रही है तो हमें इस आईसी पे ही काम करना पड़ेगा। तो हम इसको बिना, हमें आईसी उठाकर इसे यहाँ पर माइक्रो जम्पर करना पड़ेगा, या तो हम बिना आईसी उठाए भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसको कैसे बनाएं, और यही तरीका हमें देखना है। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट ये कॉइल पे जाते हैं कि ये कॉइल कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम फोन को ओपन कर लेते हैं और पूरी हमें बोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलिए, हमने पीसीबी को ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं, ये इसकी डिस्प्ले आईसी है जिसमें TI68A लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं, इसके अंदर वो जो कॉइल है वो ओपन है या जीआर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो तीसरे नंबर का है ये, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ तो रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमको एक जम्पर उठा के हमें लगाना है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जम्पर उठाएंगे और यहाँ पर एक कैपेसिटर में दे देंगे और फिर देखते हैं कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कंपोनेंट यहाँ पर लग रहा है कि लाइन ब्रेक है इसकी। तो दूसरे नंबर का कैपेसिटर है यहाँ पर, कि यहाँ तक जीआर आया है कि नहीं आया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ओएल, फिर जीआर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीआर आया है, एक बार चेक कर लेते हैं। और पहले तो देख लेते हैं कि कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रही कोई लाइन। ये हमेशा इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो
ठीक है, आप नोटिस करो, अब मैं पावर बटन दबाऊंगा, ये देखो बूटिंग हो गई। ये देखो आ गया एप्पल। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर सर्किट लेवल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल डीएसओ और यूटीडी 2 चैनल डीएसओ की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसकी फीस मार्केट में 20 से 80 हजार तक होती है। अभी डाउनलोड करें एशिया टेलीकॉम आईफोन मास्टर ऐप प्ले स्टोर से। यह कोर्स 2 साल के वैलिड होगा। इस कोर्स में आपको बेसिक से पावर और सीपीयू आईसी तक बताया गया है। इस कोर्स में आपको मिलेगा नॉनस्टॉप अपडेट। हम हर हफ्ते कोर्स में बहुत कुछ नया अपडेट करते रहते हैं। अगर आप आईसी पर काम कर रहे हैं और एंड्राइड पर काम कर लेते हैं, आईफोन पर काम करके अच्छे पैसे कमा लेंगे। आप आईफोन की बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग, जहां आपको आईफोन 6 से 11 प्रो मैक्स तक कंप्लीट सेक्शन वाइज ट्रेनिंग, जिसमें 14 प्रो मैक्स तक NAND प्रोग्रामिंग और DSO रिगोल प्लस UTD के साथ CPU RAM IC का सेफ मोड पर चाइनीज टेक्निक बताई गई है। यह कोर्स सिर्फ 7999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपके PC और मोबाइल दोनों पर चलेगा।